ट्यूशन से आ गए, अब हम देखते हैं टीवी। करण न्यूज लगाना। अरे देख क्या रहा है यार, न्यूज लगा, देखेंगे दुनिया में क्या हो रहा है। हाँ न्यूज लगा। भाई तुझे पता है ना मुझे कार्टून कितने पसंद है, फिर भी तू कह रहा न्यूज लगा। अच्छा चल ठीक है, लगा रहा हूँ। हेलो फ्रेंड्स, कुछ ही महीनों पहले झांसी यूपी के एक पार्क से एक बहुत ही विचित्र सा वीडियो रिलीज हुआ जिसने पूरे सोशल मीडिया में एक तहलका सा मचा दिया। ये वीडियो लिटरली इस बात का एक जीता जागता सबूत था कि इंसानों की इस बस्ती में भूतों का डेरा भी बसा हुआ है। जरा गौर से देखिए इस वीडियो को, क्या उस हरी मशीन में कोई इंसान बैठा है? क्या उसे कोई छू रहा है? नहीं, राइट? लेकिन आखिर फिर भी कैसे वो मशीन आधी रात के सुनसान सन्नाटे में खुद ब खुद हिल रही है? क्या ये कोई बुरी आत्मा का साया है? काफी रहस्यमयी है, राइट? इनफैक्ट ये इंसिडेंट इतना ज्यादा डरावना था कि आसपास के लोगों ने इसे देखकर सीधा पुलिस को बुला दिया। अब पुलिस ने इसकी थॉरली जांच पड़ताल की और फिर इसके पीछे की जो असल सच्चाई थी वो सामने आई। वो सुन के लिटरली आपके होश उड़ जाएंगे। अरे भाई ये कैसी न्यूज आ रही है, ये भूत देख लिया उन्होंने? अरे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कभी होता है क्या? कि भाई कल पूर्णिमा की रात है और कल ऐसा कहते हैं कि भूत लोग ना बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं, इसलिए हमें कल बच के रहना पड़ेगा और कल सारे खिड़की दरवाजे बंद रखेंगे। ठीक है भाई। ये शैतानी पलंग है, अगर तुम्हें इस घर को रख दिया तो सब छूट गया। तो जी भूत आ चुका है कहानी में और वो एक पतंग लाया है, तो बोल रहे हैं कि इसके ऊपर पैर रख दे तू करण तो भस्म हो जाएगा अगर उसने उसके पैर रख दिया पतंग के ऊपर। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। अरे करण जल्दी नीचे आ यार, मैं नीचे हूँ, जल्दी आ। हाँ जल्दी, हाँ आ रहा हूँ, रुक जा। कोई बात नहीं, तुझे तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुझे मार कर ही रहूंगा। मेरे पास एक और चीज है। अब मैं इसको उसके खाने में मिला दूंगा, ये जहर की शीशी मिला दूंगा मैं, और बस फिर वो